अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये 32 इंच की सैमसंग की एलईडी है। मॉडल नंबर है UA32FH4003R। प्रॉब्लम तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका हाफ़ पैनल जो है वो वर्क नहीं कर रहा है और हाफ़ पैनल ओके चल रहा है। नॉर्मली प्रॉब्लम तो ये पैनल की ही है, इसके सोर्स ड्राइवर या गेट ड्राइवर में से कोई कफ इसका ख़राब है। अभी मैं इसकी फ्रेम ओपन करके इसको फिज़िकली चेक करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी फ्रेंड्स, फ्रेम मैंने ओपन किया है और इसके तमाम कफ जो ये राइट साइड पे पैनल इसका वर्क नहीं कर रहा है चेक किए हैं। तो ये जो मसला मेरे सामने आया है कि ये सोर्स ड्राइवर जो ये कफ है कॉर्नर पर, ये राइट साइड पर, इसमें कुछ शॉर्टेज हुई हुई है। अब वो शॉर्टेज ऐसी है कि कुछ प्रिंट आपस में मिल गए हैं। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और फिर इसका इमेज मैंने ले लिया है, वो जूम करके आप लोगों को समझाने की भी कोशिश करता हूं। जी माशाल्लाह, प्रॉब्लम हमारी फ्रेंड्स सॉल्व हो चुकी है। जो सोर्स ड्राइवर पर जो प्रिंट आपस में शॉर्ट हो रहे थे उसको मैंने ब्लेड से स्क्रैच करके अलग अलग कर दिया है और मसला हमारा हल हो गया है। वीडियो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओके है, किसी किस्म की कोई लाइन, स्ट्रिप, बेल्ट, कोई मसला नहीं आ रहा इसमें। अब जो सोर्स ड्राइवर में आपस में प्रिंट शॉर्ट हो रहे थे उसकी इमेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, ये उस सोर्स ड्राइवर की इमेज मैंने ली थी जिसको जूम करके मैंने मार्क कर दिया है कि ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है यहाँ था मसला, और इसको मैंने स्क्रैच कर दिया है ब्लेड से, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। हो सकता है इन प्रिंट्स में से कोई प्रिंट पैनल सप्लाई का हो और वो दूसरे किसी प्रिंट के साथ शॉर्ट हो करके यह हाफ पैनल डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो वो अब उसके साथ तो शॉर्ट नहीं हो रहा है। एनीवेज फ्रेंड, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।